पशुशाला खोली जाएगी। अब जो गाय को जो है अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने शामिल किया है, और सियासत जो है अब गाय पे हो रही है। देखिए, गाय हमारे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हमारे लिए बहुत कहने का मतलब यह है कि बड़ी सर्वोच्च है। गाय को हम पहले भी अपने गौ माता के रूप में पुराने बुजुर्गों से लेके आए हैं, उनको पूछते आए हैं, और हम आगे भी इस परंपरा को आगे लेके चलेंगे। जो लोग इसके गलत गाय को काटने का काम करते थे, या इनकी सरकार केरल में थी, आपने पढ़ा था, बड़ा नसनकार हुआ था, डायरेक्टली उनके लीडर इन्वॉल्व रहते थे कांग्रेस के, तो आपने पिछली मेरे ख्याल चैनलों पे भी देखा होगा, तो ये लोग जो गाय के कटान पे इन्वॉल्व रहते थे, आज उन्हें सदबुद्धि आई है, कुछ ना कुछ आई है। मैं तो कहता हूँ कि गाय जो हमारा एक गौ माता के रूप में हमको तो है, उसको सबको मानना चाहिए, इसमें कोई ना वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि गाय का वादा किया था, गाय की सुरक्षा की बात कही थी, गाय का पालन पोषण की बात कही थी, मगर आज पशु हालात में देख लो उनको, ना खाने को मिल रहा है ना किसी तरह कुछ मिल ऐसा रहा है। नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, हर जिले में गौशाला खोलने जा रही है, सबके जमीनों के प्रपोजल भी आ गए, पैसा भी अलाट हो गया है, और उनको अच्छे ढंग से गायों को भोजन मिले, उनका रखरखाव ठीक हो, इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जा रही है, और हर जिले में इसको बेहतर करके इसकी गौ की रक्षा करने के लिए काम